मास्टर क्लैब आपके लिए लेकर आया है विशेष योग अभ्यास क्रम जो नेत्रों के लिए, आंखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण या फिर विटामिन ए की कमी होने के कारण या फिर अन्य किसी विशेष कारणों के चलते बड़ों के साथ साथ बच्चों के आँखों की रोशनी भी तेज़ी से कम होते चले जा रही है और वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर चश्मा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से इसका मूल कारण या बहुत बड़ा कारण अधिक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप आदि उपकरणों के नज़दीक रहना है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिनको यदि आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो आँखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है और जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही अभी से ही चश्मा लग गया है वह भी अपना चश्मा उतार सकते हैं और नेत्रों को प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करवा सकते हैं। जो अभ्यास हम करेंगे, इन अभ्यासों से नेत्रों के आसपास की मांसपेशियां, नसें स्वस्थ बनेंगी, उनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेत्र स्वस्थ बनेंगे और इसके साथ पोषण युक्त भोजन का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ विशेष अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से जो हम करेंगे, उन अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर किसी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे, पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। यदि किसी कारणवश नीचे न बैठ पाए इस प्रकार से तो कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इन अभ्यासों को किया जा सकता है या फिर खड़े होकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं, परंतु अभ्यास करने की आदर्श स्थिति है इस प्रकार से बैठकर आप अभ्यास करें। अंतिम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की नासागर मुद्रा बनाएंगे, पहली दो उंगलियों को मोड़ेंगे, दूसरी दो उंगली सीधी, अंगूठा बाहर, पीठ गर्दन को सीधा कर लेंगे, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में या फिर घुटने के ऊपर किसी एक स्थिति में छोड़ देंगे, दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, अंगूठे से दाई नाक को बंद करेंगे, बाई ओर से सांस भरेंगे, पूरा सांस भर लेने के बाद बाई नाक को बंद कर देंगे, दाई ओर से सांस बाहर, दाई ओर से ही सांस को भरेंगे, बाई ओर से बाहर। यह एक चक्र पूरा हुआ, अगला चक्र यहीं से आरंभ करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, पूरा सांस भरेंगे धीरे 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 बाहर। सांस भरेंगे दोबारा से, दूसरी तरफ से बाहर। इस अभ्यास को 11 बार से आरंभ करेंगे, 21 बार 31 बार तक सामान्य रूप से इस अभ्यास को करेंगे। तो इतना अभ्यास इसी क्रम में प्रतिदिन नियमित रूप से यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो जिन लोगों को चश्मा लगा है उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है और जिनके नेत्र अभी स्वस्थ हैं वह आने वाले समय में भी स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।